हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो ये हमारा पार्ट थ्री वीडियो है और एक्सपायर्ड डोमेन रिसर्च जो फ्री में आप कैसे पा सकते हैं इसका पार्ट थ्री में। आज मैं आपको बताऊंगा एचआरएफ के थ्रू आप कैसे और एक मेथड से यहाँ पे हाई अथॉरिटी का जो एक्सपायर्ड डोमेन है आप पा सकते हैं। ओके, सो कंटेंट एक्सप्लोरर आपके पास एचआरएफ अगर नहीं है तो आपको मैं पहले रिकमेंड करके बताया हूँ कि आपकी tourjob.com साइट में आप जाकर बाय कर ले। यहाँ पर 399 पर मंथ पड़ रहा है और इनका अपटाइम 98% अपटाइम रहता है और कभी कभी थोड़ी इश्यू रहता है, वो फिर भी वो लोग जल्दी फिक्स कर लेते हैं। ओके, सो ये वीडियो में मैं आपको ये कॉन्टेंट एक्सप्लोरर के माध्यम से आप कैसे पा सकते हैं हाई अथॉरिटी एक्सपायर डोमेन, आपकी कीवर्ड रिलेटेड यानी तो आपकी नीच रिलेटेड डोमेन आप इजीली पा सकते हैं, उसके बारे में हम बात करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहले आपको क्या करना है ना, आपको बस सिंपली एचआरएफ में आप आ जाना है, उसके बाद कॉन्टेंट एक्सप्लोर आपको आपका जो नीच है, जो मान लेते हैं जैसे मेरा नीच है टेक्नोलॉजी, सो टेक्नोलॉजी रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लीजिए। जैसे अभी मैं सर्च कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी ऐसे, या नहीं तो यस, और नहीं तो कुछ मोबाइल गैजेट के ऊपर अगर है आपका, जैसे मोबाइल लेटेस्ट स्मार्टफोन ये कर सकते हैं। सो बस वो कीवर्ड यानी तो कुछ भी आपके नीचे रिलेटेड जो भी कीवर्ड है वो आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कर लेना है, और आपको सर्च करने के बाद ये थोड़े से टाइम लेगा प्रोसेसिंग होने में, आपको पूरी पूरी रिजल्ट देखेगा कि कैसे कॉन्टेक्ट एक्सप्लोरर में आप क्या क्या है उसी कीवर्ड के रिलेटेड। ओके, सो आपको दिखा देगा कि नीचे यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि 78,000 प्लस पेजेस है अवेलेबल ऑलरेडी। आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा फिल्टर में आपको यहाँ पर खेलना पड़ेगा। यहाँ पर पहला फिल्टर लगाना लाइव एंड ब्रोकन, ये पर दिखा जा रहा है, वहाँ पर आपको सिंपली ओनली ब्रोकन पर क्लिक करना है। ओके, सो इससे क्या होगा ना, ओनली जो पेजेस ब्रोकन हो गए मतलब वो रिमूव हुआ है 404 एरर आ रहा है वो सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, सो ये भी थोड़ा टाइम प्रोसेस करेगा, और होने के बाद आपको और एक बार और दो फिल्टर ऐसा लगाना होगा जैसे आप अच्छा क्वालिटी जो एक्सपर्ट बने आप आराम से मिल सकता है यहाँ से। सो ये एक अच्छा तरीका है कंटेंट एक्सप्लोरर, मैं भी यूज करता रहता हूँ। और भी आप अगर कंटेंट एचआरएफ के माध्यम से बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, जैसे कीवर्ड रिसर्च, एसईओ रिलेटेड, एसईओ ऑडिट, बैकलिंक प्रोफाइल एनालिसिस, कंप्यूटर एनालिसिस, बहुत सारे पूरी पूरी एसईओ की जितने भी जो पूरी जो बात है वो सारी चीज़ ये एचआरएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। ओके, सो चले इसका तो आ गया, अभी देख सकते हैं 78,000 ओनली 8,000 प्लस पेजेस है जो ब्रोकन लिंक है। आपको बस क्या करना है, यहाँ पर जो सिंपली वन पेज पर वन डोमेन जो लिखा है आपको बस सिंपली यहाँ पर इसे एनाबल कर देना है। इसका मतलब यह है कि एक डोमेन का एक ही पेज बस दिखा है जिसका पेज ब्रोकन हो गया, मतलब 404 एरर आ रहा है। ओके, सो आपको यहाँ पर दिखा देगा अभी पूरी की पूरी नैरो डाउन करने के बाद आपको मिल गया 1500 प्लस पेजेस मिल गया। सो ये पेज को आपको क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी तो आप अगर चाहते हैं कि और भी नारा करना है भाई इसको, बस सिंपली आप क्या करना है, ऐड फिल्टर में जाकर रेफरिंग डोमेन मिनिमम आप 5 रख सकते हैं, मैक्सिमम जितना चाहिए उतना रख सकते हैं। सो इससे क्या होगा ना, और भी ज़्यादा नारा डाउन हो जाएगा आपका जो रिजल्ट है। ओके, सो आपको थोड़ा ईजी होगा आपको फाइंड करने में कि कैसे एक हाई अथॉरिटी डोमेन आपको मिल सकता है इसे नारा डाउन करने से। ओके, सो ये बस थोड़ा सा प्रोसेसिंग फिर चलेगा। ओके, ये होने दो। ये देखिए अभी देखिए आपके पास है 61 पेजेस है अभी। सो 61 पेजेस ऐसे निकला जो हमारे कीवर्ड के रिलेटेड लेटेस्ट स्मार्टफोन के रिलेटेड जिसका पेजेस 404 एरर है, और इनका जो क्या बोलते हैं इनका रेफरेंस नंबर 5 है, और इनको क्या करना है ना, आपको पास है ये जो 61 पेजेस का आपको सिंपली यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। ओके, पूरी पूरी एक्सपोर्ट कर लीजिए, ये देखिए ऑल 61। ओके, एक्सपोर्ट कर लिया। आप ऐसे बहुत सारे कीवर्ड के साथ आप खेल सकते हैं, जैसे आपका नीच रिलेटेड जितना भी हो आप कोई भी कीवर्ड में आप एक्सपायर डोमेन पा सकते हो। ओके, ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप नहीं पा सकते भाई, बहुत ईजी है ये फ्री मेथड है। आपको बस एचआरएफ बाय करना होगा, मैं आपको एचआरएफ का बाय करने के लिए टूल्स आपका लिंक डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, आपको बस जाइए वहाँ पर और बाय कर लीजिए। ये बस एक्सपोर्ट होने दीजिए। ओके, ये हो गया, अभी आप देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट हो गया। सो अभी इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, एक्सेल में ओपन हो गया। सो ओपन होने के बाद आपको बस सिंपली यहाँ पर जो कंटेंट वायरल है सेक्शन बी का जो रो जो कॉलम का जो सेकंड कॉलम है इसे बस आपको सिंपली पूरी पूरी कॉपी कर दीजिए। ओके, सो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपको कि इसका ये जो वेबसाइट ऐसी जगह जो मैं पार्ट टू में आपको बताया था कि कैसे आपको यहाँ पर आकर एक्सट्रैक्ट करना है इसी यूआरएल से डोमेन। ओके, बस सिंपली रिमोट रिप्रेजेंट कर लेना है और जो भी करना है कर लीजिए यहाँ पर, आई एम नॉट रोबोट। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ से
फिल्टर लगा देना है। ओके सो अभी आपको जो 61 पेजेस है, हमें जो डोमेन है, रूट डोमेन है, वो आपको निकाल के दे देगा ये। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। सो इनपुट 63 आउटपुट 62 आपको बस सिंपली नीचे स्क्रॉल करना है, या अपना आप डायरेक्ट यहाँ पर एक्सेल शीट भी निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर क्या करूँगा, सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कॉपी कर लूँगा। ओके उसके बाद आपको सिंपली जाना है, आपको बताया था नेम ब्राइट जो है namebright.com, यहाँ पर बोल्ड सर्च में जाना है कि कौन सा डोमेन अवेलेबल है रजिस्टर करने के लिए। अभी और भी बहुत सारे टूल्स है बोल्ड सर्च रजिस्टर अवेलेबल देखने के लिए फ्री में, जैसे rank.io जैसे एक टूल है, यह भी आप कर सकते हैं, ये भी अच्छा टूल है। सो वो यहाँ पर 500 मैक्स कितना एंटर 5000 वहाँ पर 20000 मैक्सिमम कर सकते हैं, वहाँ भी बेस्ट है वो। सो मैं आपको उसका भी कभी यूज करके दिखा दूंगा। ओके ये अभी देख रहा है। और इसके टाइम मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। और भी बहुत सारे ऐसे बहुत बड़े बड़े ट्रिक्स वगैरह टिप्स वगैरह आने वाला है हमारे चैनल में। और अगर हमारी फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन नहीं किया तो चाहिए ज्वाइन कर लीजिए। सो यहाँ पर देखिए हमारी एक डोमेन मिल गया हमें। सो ये डोमेन को मैं करूँगा अभी कॉपी करूँगा, कॉपी करके इसका जो है अथॉरिटी वगैरह सब कुछ चेक करूँगा। बस जाना है मेरे को साइट एक्सप्लोरर, अगर इसका अथॉरिटी वगैरह सब कुछ अच्छा मिला सो इसे मैं रजिस्टर कर लूँगा। ओके ऐसे ही आप भी बस शॉर्ट मेथड ही है, बस बहुत ईजी मेथड है, आपको बस एचआर चाहिए इसमें, और उसके बाद आप बहुत सारे जो एक्सपर्ट बने आप निकाल सकते हैं हर दिन। सो ये थोड़ा मेरा इंटरनेट की वजह से अच्छे नहीं ओपन हो रहा है। सो यहाँ पर मैं पहले इसका मौजूद थोड़ा देख लेता हूँ। ये एक्स कहाँ से आ गया। ओके ठीक है डोमेन। ओके उसके बाद आपको सिंपली चेक में क्लिक करना है, और इसमें भी आप कर सकते हैं वेबसाइट ऐसे जो डोमेन थोड़ा थी, अपन देखें इसका डी ए ओनली 2 है, पी ए 5 है, और स्पैम स्कोर 1% मिलेगा। सो ये इतना हाई और थोड़ी डोमेन नहीं है, बट फिर भी ये जो मैं आपको कीवर्ड आपको बताया था कि लेटेस्ट स्मार्टफोन के रिलेटेड है, सो ये एक डोमेन मिल गया मुझे। सो ऐसे आप बहुत सारे कीवर्ड के ऊपर आप बस वहाँ पर सर्च करना है, और बहुत सारे पेजेस को कलेक्ट करके आप एक साथ में उसे चेक करना है इवर सब कुछ डोमेन, और उसे कोई भी एक एक्सपर्ट डोमेन आपको हाई और थोड़ी का मिला तो आप रजिस्टर कर लेना। ओके बस ये था छोटा सा वीडियो भाई, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगा। और अगर आपको ये वीडियो कुछ भी हेल्पफुल लगा तो कमेंट में जरूर बताना भाई, और इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड।